The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके पेट के अंदर अगर आपको दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कुछ उभा उभा लग रहा है, उठा उठा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं सूजन है और आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और निकल के आता है कि वहां लिखा है स्प्लीनोमेगैली है। स्प्लीनोमेगैली लिवर के जैसे एक स्प्लीन होती है, लिवर राइट साइड में, स्प्लीन लेफ्ट साइड में, तो स्प्लीन बड़ा हो जाती है जब अगर स्प्लीन, तो उसे स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। सो क्यों होता है ये, कैसे होता है, इसके पीछे क्या बीमारी है। कई लोगों को गर्दन में गांठ होती है ना, लिम्फ नोड, कभी बगल में गांठ होती है वो लिम्फ नोड, तो उसी लिम्फ टिश्यू का बना हुआ ये बहुत बड़ा ऑर्गन होता है जो स्प्लीन कहते हैं इसको। स्प्लीन का काम क्या है और ये कैसे, अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसे कैसे डायग्नोस करें, राइट। स्प्लीन का काम जो होता है ये फिल्ट्रेशन होता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है और उससे ये क्या करता है, उसके अंदर मेंटेन करता है आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, मतलब हेल्थी वाले ये रख देता है, बाकी सारे जो खराब वाले होते हैं उसको निकाल देता है। तो फिल्टर करता है कि हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, चेक पोस्ट है ये। सो ये आपके ब्लड का चेक पोस्ट है और वहां पर जितने भी अनहेल्दी रेड ब्लड सेल्स होंगे या व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, प्लेटलेट होंगे, वो सिक्वेस्टर हो जाएंगे, इन्हें निकाल दिए जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में, इम्यून फंक्शन में भी, बिकॉज अगर खराब ब्लड सेल्स आपके व्हाइट ब्लड सेल घूमेंगे तो इम्यूनिटी भी आपकी खराब ही होगी। सो कई सारी बीमारियों के वजह से स्प्लीन पे इफेक्ट हो सकता है, जैसे ऑब्वियसली अगर ब्लड में बीमारी है तो वो स्प्लीन में जाके स्प्लीन को दिक्कत कर सकती है। लिम्फ सिस्टम जो है आपका, जहां लिम्फ नोड्स और बाकी स्प्लीन जो है उनका एक अलग सर्कुलेशन चलता है, वहां बीमारी है तो भी स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आपके स्प्लीन में चले जाए, बॉडी में इन्फेक्शन जो स्प्लीन को इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि मलेरिया और कैंसर्स हो सकते हैं जो स्प्लीन को इफेक्ट करे, और लिवर की बीमारी भी स्प्लीन को इफेक्ट कर सकती है। और अगर इस किसी भी इनमें से किसी कारण से स्प्लीन में सूजन आती है तो उस सूजन के वजह से सिम्टम क्या आएंगे, आपको हिचकियां आ सकती हैं, बिकॉज स्प्लीन जो है आपके स्टमक को दबा सकता है, डायफ्राम को दबा सकता है, तो डायफ्राम आपका सांस और छाती और पेट के बीच की एक मसल होती है, तो उसको अगर इरिटेट होता है तो हिचकियां आ सकती हैं, बहुत सारा खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वहां पर स्प्लीन बड़ी होगी तो पेट की जगह कम होगी, लेफ्ट साइड में पेट होता है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन होती है, पेट के पीछे एकदम पीछे स्प्लीन होती है, और कई बार वहां दर्द भी हो सकता है लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन में, अगर आपको पेन हो रहा है इट माइट बी स्प्लीन। सो क्या कॉजेज हैं, इन्फेक्शन, लिवर डिजीज, ब्लड डिजीज, कैंसर्स और लिम्फ नोड्स प्रॉब्लम। बहुत बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि चोट लगी, मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, पंच मारा गया तो उस स्प्लीन पे पंच आ गया और स्प्लीन रप्चर हो गई, तो वो स्प्लीन जो है वहां पे ऑब्वियसली खून फिल्टर हो रहा था, ब्लड भरी हुई थैली है, वो फट गई तो फिर एकदम ब्लीडिंग हो जाती है, एकदम दिक्कत हो जाती है, तो वो एक बड़ी चीज है, वो भी ध्यान रखना अपना है, खून भरी थैली है। सो अगर आपको स्प्लीन एनलार्जमेंट है, स्प्लीनोमेगैली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन ही होगा और उठा के एंटीबायोटिक ले लो, नहीं, उसके लिए आपको इवेल्युएशन की जरूरत है, राइट। तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपका टेस्ट करवाएंगे कि भाई कहीं आपको बुखार तो नहीं है, कहीं आपको कोई और सिम्टम तो नहीं, कहीं एकदम ज्यादा वजन तो नहीं कम हुआ है, कोई लिवर की बीमारी, कोई डाइजेशन इश्यू तो नहीं है, कुछ क्या आपकी हिस्ट्री किस तरफ इशारा करती है देखा जाएगा और आपके टेस्ट किए जाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और आपके लेफ्ट साइड पाल्पेशन करके फिर आपका हो सकता है एब्डोमेन का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पेट का किया जाए, ब्लड टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी और लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब किए जाए और इन सारे बेसिस पे डिसाइड किया जाए भी आपका जो कारण है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इन टेस्टों के रिजल्ट से पता चलेगा कि क्या और बीमारी हो सकती है, क्या ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन लग रहा है, कहीं मलेरिया का तो नहीं है, मलेरिया की भी टेस्ट किए जाए, कहीं कोई कैंसर तो नहीं है, कहीं कोई लिवर में हेपेटाइटिस तो नहीं है, लिवर की बीमारी तो दूसरी चीज तो नहीं है,
उस चीज का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। स्प्लीन में एनलार्जमेंट का मतलब जनरलाइज्ड एक इन्फेक्शन नहीं होता कि हम बस एंटीबायोटिक दे दो, ऐसा नहीं। सो स्प्लीन अगर बड़ी लगती है तो फिर इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्प्लीनोमेगैली। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट लोग जो हैं सही जानकारी पा सकें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।